ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा में एक आम सभा के दौरान कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहुत वरिष्ठ नेता और वर्तमान में आदरणीय शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बहन इमरती देवी के बारे में उन्होंने जिस अभद्रता का और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है वो आपत्तिजनक है, निंदनीय है। मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। अभी नवदुर्गों का समय, हमारी हिंदू पद्धति में, संस्कृति में हम कन्याओं का पूजन करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते, आराधना करते हैं, और नवदुर्गों के समय एक बहन के साथ इस अभद्रता पूर्वक बयान जारी करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं घटिया और दिवालियापन का सबूत है। एक पूर्व मुख्यमंत्री एक दलित महिला के साथ इतना अभद्र बयान दे सकते हैं, ये केवल इमरती देवी बहन का अपमान नहीं है, ये हिंदुस्तान की महिलाओं का अपमान है, बेटियों का अपमान है और हमारी दलित बहन का अपमान है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की संस्कृति दिखाती है। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कमलनाथ के इस बयान से सिद्ध होता है। मुझे लगता है सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को ऐसे आदमी को 2 मिनट में भी कांग्रेस में नहीं रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को और कमलनाथ को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं तो कहना चाहूँगा पूरे देश के हमारे दलित समाज के लोग, हमारी महिलाएं कहीं ना कहीं इस बात की निंदा करें कि कांग्रेस के नेताओं का चरित्र आखिर महिलाओं का और देवियों का और कन्याओं का अपमानजनक घटना करने का क्यों बढ़ता जा रहा है। मैं पुनः इस अभद्र भाषा की निंदा करता हूं और कमलनाथ और सोनिया गांधी से आग्रह करता हूं माफी मांगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।